अरे भाई ये टूट गया है साइड से। अरे हाँ ना यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं चिन्मय चौहान ब्लॉग्स। तो गाइस अभी बज गए सुबह के 5 और मैं रेडी हो चुका हूँ एक राइड के लिए। आज की राइड बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो मिलता हूँ आपको डायरेक्ट मोटो व्लॉगिंग पे। काफी लेट हो चुका है, चलो। तो गाइस, तो किस्मत एकदम रेडी हो चुकी है, ज़्यादा लगेज है नहीं आज के राइड के लिए। वन डे रिटर्न राइड होने वाली है, आगे बता दूंगा कहाँ पे राइड पे जा रहे हैं। खाली एक टॉप बॉक्स है और उसमें थोड़ा बहुत लगेज है और एक चेस्ट बैग लिया हो। ये दशहरा का हार निकाल लेता हूँ भाई। तो 2 दिन पहले दशहरा था, तो सबको हैप्पी दशहरा मेरी तरफ से। तो 5:06 हो चुके हैं, ट्रिप सेट करते हैं। ट्रिप 1 हो चुका है 0 और ट्रिप 2 तो है। और कल ही मैं पेट्रोल फ्यूल अप कर दिया था। चलो अभी निकलते हैं गणपति अप्पा मोरिया भोलेनाथ सबके साथ। तो आज की जो राइड है ना, वो एक्चुअली एक ग्रुप राइड होने वाली है और उसके लिए अभी आगे ग्रुप मेंबर जो कि थाना मुमरा कलवा से भी बहुत गए अभी हम लोग को मेरे को मतलब हम लोग अभी कलवा नाश्ते पे मिलने वाले और उसके बाद हम लोग वहाँ से हमारा नेक्स्ट मीटअप पॉइंट है जो कि कलमबोली मैंडी के आते हैं। तो कलमबोली मैंडी के आते हैं, बाकी के सब लोग मिलने वाले हैं। साउंड बहुत बड़ा है आपकी राइड का, ग्रुप राइड का। चार पांच लोग रहने वाले हमारे साथ। यहाँ पे मीटअप पॉइंट है और ये हम लोग के राइड का आज बंदा सेम बाइक। बाकी के लोग किधर है? 5:22 और 1, 2, 3, 4, 5 एक फल खा चुके है। कौन है माजा? आधी यायची रे, नंबर प्लेट चेंज केली ना। आधी आई होती ती नंबर प्लेट चेंज केली मी काय बोललो? अल्टा मेमोरी कार्ड गिर गया था, फॉर्मलेट पे मिल गए उनको। ऑलमोस्ट 5:30 होने को आए, 5:24 और हम 5 लोग यहाँ पे एक्सल वाले यहाँ पे अभी हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, नेक्स्ट मीटअप पॉइंट को। एक्चुअली नेक्स्ट मीटअप पॉइंट है कलमबोली में। 1, 2, 3, 4 और एक पीछे है 5 एक्सपल्स है अभी हमारे साथ और आज की जो राइड है वो बस एक्सपल्स वालों की राइड होने वाली है। सब एक्सपल्स कम्युनिटी के राइडर्स आने वाले हैं ऑल ओवर मुंबई से और आज के राइड का काउंट भी बहुत ज़्यादा है बाकी के राइड्स के मुकाबले। मेरी फर्स्ट एवर ग्रुप राइड होने वाली है, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है आज की राइड का। बहुत ही नए लोगों से मिलने वाला हूँ आज और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो अभी हम लोग कलमबोली जा रहे हैं एक्चुअली और कुछ तो सीन हुआ लगता है उन लोगों का पीछे रुक गए लोग आए थे ज़्यादा के लोगों थामले। तो यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, हम लोग के राइड के 2 मेंबर्स तो चले गए पेट्रोल भरने, अपना तो फुल है। और अभी हम लोग आ गए कलमबोली में, यहाँ पे राइड पे और ज़्यादा मेंबर्स आ गए और कलमबोली मैगडी यहाँ पे। तो अभी सब लोग यहाँ पे आने के बाद एक ब्रीफिंग होएगा, राइड की कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और
बाइक के बीच में एक बाइक का डिस्टेंस रखना है, सो दैट अगर इमरजेंसी ब्रेक मारा तो यू नो, और सब राइडर है, सब पायलट है, इस कोई बिगनर लेवल पे तो अब भी बता दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बिगनर लेवल पे तो गाइस यहां से लेट्स सी व्होएवर लीड्स, सब लोग अपने अपने जीपीएस ऑन रखेंगे, ओके, बिकॉज इट वुड बी इजी कि अगर कोई बीच में मिस आउट उस आउट हो गया तो वी कैन कैच अप. द रूट इज वेरी इजी, 1 hour 39 minutes है. अगर बीच में हुआ तो कर्नाला में एक स्टॉप मारेंगे, क्योंकि कर्नाला इज ब्यूटीफुल प्लेस, कर्व्स वर्व्स बहुत सही है, इफ यू लाइक इट यू नो यू कैन जस्ट एंजॉय दैट रूट. और बीच में मिड पॉइंट पे रुकेंगे, अभी देखते हैं हाफ एन आवर में तो आप कर लेंगे, आगे टेप पे जो भी रहेगा सिर्फ एक काम दोनों रहेंगे, हां टेप पे जो भी रहेगा जस्ट वन रिक्वेस्ट, ट्राई टू स्लो डाउन, अगर किसका बाइक बीच में बंद पड़ जाए ऑन बजा के रखना, ऑन बजा के रखना, सो दैट वी कैन गेट एन इंफॉर्मेशन कि किसका बाइक बंद पड़ा है या क्लच कुछ हुआ है या फेल हुआ है कुछ, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई गाड़ी बंद हुआ, ओके. तो आप लीड आप फेल करोगे, तो लीड करेगा जीपीएस से ही जाना है, फॉलो करेंगे सिंगल लेन, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग हाई प्लीज, ना इजी पड़े डबल के लिए तो अजून हार्ड पड़े, यू हैव टू फॉलो वन पैटर्न एंड द बेस्ट पैटर्न इज टू राइड टुगेदर, दैट शोज योर यूनिटी व्हेन इट इज विद एक्सपल्स. सो गाइस अप्रोक्सीमेटली अगर पहुंचेंगे तो 1 hour 39 minutes का रूट है, और अभी अगर 70-80 मारे तो पहुंच जाएंगे 25. ब्रेकफास्ट अगर बीच में हुआ तो अपन देखते कर्नाला में करेंगे, या तो एक लोकेशन वो दिया है वहाँ पे करेंगे, या तो एक और होटल है वहाँ पे. अभी क्लाइमेट ऐसे अपन जितना राइड कर लेवे ना उतना बेटर है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से. अली बात करें ब्रेकफास्ट करते हैं मीट बीच में रहेगा, मीट पर देना कि वो आगे वाले को टेलिंग कर मारे कि रुकना है, हां फक्त कौन लाइन वेगरी ने वाले बजे. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इधर अगर ब्रेकआउट हुआ या कुछ हुआ पहले ग्रुप में डालो, कोई ना कोई तो चेक करेगा, एंड वी विल स्टॉप. अगर वो लोग जो टेल करता है और जो लीड करता है ना, दे शुड एंश्योर दैट एवरीबॉडी इज विद इन दैट गैप. समझा ना भाई, क्या सीन है, दो का पार्टनर बना, तीन का पार्टनर बना, एक साथ में चलो, साथ में चिन्मय, चिन्मय की तरह, चिन्मय चिन्मय तू मिड में रहेगा और तू देखते रहेगा तेरे आगे वाले ग्रुप को, उज्ज्वल तू और मैं बीच में रहेंगे. सो गाइस इट्स टाइम टू लो, और टाइम हो रहा है 6:40 और 6:15 को यहाँ से पलमबुली से निकलने का टाइम था, और 6:40 हो गया, काफ़ी लेट हो चुका है, और राइड के एक दो मेंबर्स नहीं आ गए, नहीं आए, और आज ही तो अभी लीड का ग्रुप निकल चुका है और मैं लीड में हूँ, और टेल वाले एक एक करके सब लोग निकल जाएंगे. लाइनअप देख यार यहाँ से बहुत ही मस्त लाइनअप है, और राइट से काफी रूल है करके सिंगल लेन में सबको जाना है, और ओवरटेक करना है और स्पीड मेंटेन करना है 80-90 के ऊपर किसी को भी जाना नहीं है, और लीड कर रहे हैं 6-5. अभी तक तो वेदर बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है राइड करने में, देखते आगे कैसा कैसा लगता है. क्या ही मस्त व्यू है रे, सनराइज हो रहा है, पता नहीं मुझे कैमरे में आता होगा कि नहीं, पर यार बहुत मस्त लग रहा है रे, ऊपर से अपनी किस्मत अपने साथ है. तो जो लोग नए चैनल पे तो किस्मत अपने बाइक का नाम है, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो. तो अभी हम लोग के मतलब आधे राइडर कम से कम 10-15 राइडर बीते रह चुके, और अभी आते हम लोग आते वेट कर रहे हैं उनका, काफी लेट हो गया राइड को. तो अली पार्क के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है आज से, तो सब लोग ले रहे, तो चलो चलो. सो गाइस अभी अली पार्क आ गए हम लोग, यह है अली पार्क का बीच,
और हमारी पूरी टीम आ चुकी है एक्सपल्स की, सब राइडर्स आ चुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे कहीं पे। आज का ब्रेकफास्ट आज का ब्रेकफास्ट तंदूरी मिसल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीबाग। अभी मैं आया हूँ अलीबाग के बीच पे और आज की जो राइड थी हमारी एक्सपल्स की, वो एक्सपल्स के सब राइडर लोग के साथ, और अभी ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी कुछ प्लान है थोड़े यहाँ के बीच एक्सप्लोर करने के, और काशीड ब्लीच हो गया जैसे कि दो चार बीच है यहाँ पे, तो वो एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो ये है अलीबाग का बीच और संडे है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ गई है। तो ये वाले होटल में अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी हम लोग थे अलीबाग बीच पे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया हम लोग ने, और आधा ग्रुप हम लोग का गया काशीड बीच पे, और आधा ग्रुप यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट का सीन हो गया था। एक ही होटल पे सब नहीं था अवेलेबल, तो आधा ग्रुप दूसरे होटल पे गया और हम लोग यहाँ पे अभी निकल गए। हम लोग कितने चल रहे काशीड लग चल रहे ना, तो चलो अभी यहाँ से पूरा अलीबाग एक्सप्लोर होने वाला है आज के राइड में आपका। तो बीच पे इतना कुछ खास नहीं था सर, बोले तो यहाँ पे कुछ इतना मज़ा आया नहीं, बस क्लीन नहीं था मतलब बीच। तो मैंने अलीबाग सिटी और छत्रपति शिवाजी महाराज, जय जिजाऊ जय शिवराय। ओ भाई पूरे लेफ्ट साइड में लोटस के फ्लावर है यार, यहाँ पे बहुत मस्त दिख रहे। तो गाइस प्लान में चेंज आ गया है, अपन काशीद बीच नहीं जा रहे, अभी रेवदंडा बीच जा रहे, उसके बाद काशीद बीच जाएंगे। रेवदंडा बीच ना हार्डली 1 किलोमीटर। ग्रुप चेक कर जरा, वही तो। अरे सब लोग मेरे को लग रहा है इधर काशी दी गए रहे, मैं उसको मीत को पूछा जाते टाइम एवरीवन मेरे को क्या बोले रेवदंडा के बाद काशी दे 18 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं, 36 मिनट अपन आया ना वैसे जाने का मेरे को है। काशी बीच क्या बात कर रहे हैं, ये लोग बोलते। अरे ये जो प्लान भेजा उसमें देखा ना रेवदंडा बीच था, इधर आने वाले ना मेरे को तो लग रहा है काशीद पे नहाने वाले भाई। हाँ काशीद पे नहाने वाले हैं और इधर पे आने वाले थे बस ऐसे इधर की। अच्छा रेवदंडा फोर्ट ये है, एक आया बंदा दो आए, अरे 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 आगे आगे आगे, ये तो अपने साथ थे वही। अरे ये तो अपने साथ ही थे ना लोग, क्या मिस में जो रास्ता एक सीधा गया था एक राइट में आया था। अपन इतने लोग है भाई, बाकी कोई नहीं इधर, बाकी तो अड्डा सरळ गेले, सरळ कुठे गेले, तो एक रस्ता होता बघ अपन राइट घेतला ते बाकी लोक इधर। अरे भाई तेरा रेवदंडा बीच पे आ गए हम लोग, और जो था प्लान था कि डायरेक्ट काशी जाने का, ये प्लान कैंसिल हो गया था और आधा ग्रुप यहाँ पे आ गए। अभी हम रेवदंडा बीच को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बीच पे राइड करेंगे, यहाँ पे बाइक्स अलाउड है बीच पे। दिस इज द रियल फन मैन। ओ भाई ओ भाई साहब भाई।
साथ में पहले प्लान था रोड अंडा जाने का, फिर इसने प्लान कैंसिल किया और हम लोग प्लान नहीं करते रोड अंडा आ गए थे और अभी सब लोग काशी में अभी सब अभी सब काशी जा रहे हैं हम लोग काशी में। अरे भाई ये टूट गया है साइड से। अरे हाँ ना यार उसको निकालो नहीं तो ये भी तोड़ देगा, इधर से तोड़ दिया ये टूट गया। अरे पंजी आया था पंजी भाई साहब यार टॉप बॉक्स का सीन हो गया था थोड़ा एक्चुअली कि थोड़ा सा क्रैक हो गया था और यहाँ पे पोर्टल सीट में कि वहाँ पे जहाँ जाके एक साइड का अपना टॉप रैक ही टूट गया लेफ्ट साइड का और अभी दो बस नट बोल्ट पे अपना टॉप बॉक्स है थोड़ा सा राइट साइड में आ गया है, उसको बंजी कॉर्ड से बांध दिया, देखते क्या होता है। काशिद बीच के बाहर है 27 एक्सपल्स, देखो यार क्या मस्त दिख रही है, देखो पूरा यहाँ पे पूरा एक्सपल्स ही एक्सपल्स है पूरे काशिद बीच और हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं मस्त। अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए मुरुड में, पाटिल खानोल करके जगह है वहाँ पे, तो अभी डायरेक्ट आपको मिलते हैं पाटिल खानोल के यहाँ पे। सुरमा थाली आज लंच में, व्हाट ए वंडरफुल प्लेस गाइस, यहाँ पे कोकोनट ट्री के नीचे हम लंच कर रहे हैं और क्या ही चाहिए लाइफ में। तो अभी हम लोग खाना आगे निकल रहे हैं पाटिल खानोल के यहाँ पे, हम लोग ने आज लंच किया और यहाँ पे सब हम लोग का लाइनअप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे पूरा लाइनअप, आधे लोग आगे गए हैं और यहाँ से थोड़ा प्लान में चेंज है। यहाँ से सीन ऐसा है आधे लोग फेरी से जा रहे हैं, आधे लोग बाय रोड जा रहे हैं और आज टोटल बाइक्स थी 28, सॉरी 27 बाइक थी और एक पिलोन था वो 28 हो गए टोटल। भाई साहब ये देखो यहाँ पे हम लोग ने लंच किया और ये था मुरुड बीच था यहाँ पे और ये मुरुड जंजीरा का फोर्ट। अभी यहाँ पे जाने के सोच रहे हम लोग, देखते हैं अगर चालू रहेगा वहाँ पे बोट्स वगैरह रहेंगे तो जाएंगे वहाँ पे आज। एक नंबर व्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे आके और ऊपर आ गए हम लोग थोड़ा और ये मुरुड फोर्ट है यहाँ पे सामने, पूरा नीचे पूरा बीच सनसेट भी लगा है वहाँ पे। और तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, ऊपर आए थे थोड़ा फोटोशूट वगैरह करने। सो गाइज वी आर नाउ एट मुरुड बीच और हम लोग के राइड के बाकी मेंबर्स डिवाइड हो चुके हैं फेरी से, जो फेरी से जाने वाले थे फेरी से के लिए निकल गए वो लोग और लंच हो गए हम लोग का अभी, और आधे लोग जो बाय रोड है उसमें से आधे लोग बीच पे गए यहाँ पे देखते, और आधे लोग फोर्ट पे भी गए आ गया मुरुड के। तो अभी 6 बजे तक निकलने का प्लान है हम लोग का यहाँ से मुरुड से, तो जो कि गूगल मैप बताएगा 3 घंटा,
और 9 बजे तक हम लोग थाने में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। अब तक फोटो के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई? अरे ना भाई, कस एक काढायचा आपण असा काढायचा सगळ्यांनी बघितलं भाई। बोलले पाहिजे भाई, अली बाग गेलो का नाही? तो भाई अभी बज गए 7 बज गए करेक्ट। और चलो चलो लोग निकल रहे यहाँ से, अलीबाग से मुरुड ब्रिज से निकल रहे। 4 घंटा और यहाँ से 136 किलोमीटर और 4 घंटा बता रहा है। फेरी वाले तो इतने में पहुँच भी गए रहेंगे। से 136 किलोमीटर है और 10:49 का रीचिंग टाइम बता रहा है गूगल मैप। तो देखते हैं अपन किस हिसाब से पहुँचते, लेट भी हो सकता है। आराम से जाएंगे, कोई गाड़ी तो नहीं अपने को। बस वीडियो रखते हैं, यहाँ तक ही वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे नए। अकेले स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लेट हो चुका है, इसका बहुत बड़ा सीन हो गया यार, वजह से आज बहुत लेट हो गया।